नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले आज गुरुवार को महात्मा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को नमन भी किया और कहा कि उनके आदर्श हमें गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने को प्रेरित करेंगे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता भी करार दिया। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, सम्मान प्रकट किया। इस साल हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये अवसर हमेशा बापू के नेक विचारों और आदर्शों को और भी लोकप्रिय बनाने और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में हमें प्रेरित करेंगे। जबकि उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा, हम अपने प्रिय अटल जी को हर समय याद करते हैं। वो भाजपा को लोगों की सेवा करने का इतना बड़ा अवसर मिलता देख बहुत ही खुश होते। मोदी ने कहा, अटल जी के जीवन और उनके कार्यों से बहुत प्रेरित हूँ। हम शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद होने वाले वीर पुरुषों और महिलाओं पर भारत को गर्व है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुँचे और वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। उस दौरान उनके साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, गिरिराज सिंह सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। बापू और अटल को श्रद्धांजलि देने के बाद मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने इसी साल 26 फरवरी को राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन भी किया था। उस दौरान उनके साथ निवर्तमान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।